हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट चैप्टर ऑफ फोर्थ क्लास, चैप्टर नंबर 16, होमोफोन्स एंड होमोनियम्स। ये हम क्लास फोर्थ का लास्ट लेसन कर रहे हैं। इसके बाद आपकी बस 17, 18, 19 तक वर्कशीट ही पेंडिंग है और फोर्थ का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8th का, 7th का या 6th का, 5th का हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड सेम जो भी आपका हो गए, 3rd का हो ही चुका है। इसके अंदर बोला है कि होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड, पेयर होता है जोड़ा, ठीक है, शब्दों का जोड़ा मिलेगा डेट साउंड अलाइक, मतलब कि उनकी सिर्फ और सिर्फ बोलने में आवाज़ सेम होएगी, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब कि उनके मीनिंग भी अलग होंगे और उनकी स्पेलिंग भी अलग होगी, सिर्फ और सिर्फ साउंड सेम होएगी। फ़ोन का मतलब साउंड से ही लगा लेना कि साउंड ही होता है। अब ये गेट है, ये भी गेट है, सिर्फ साउंड ही सेम है ना, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। ए में है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको पेयर्स दिए हुए हैं और फिल करना है, ये देखना है कि कौन सा कहाँ पर सही अप्लाई होगा। फर्स्ट में है इज नॉट द कस्टर्ड डिलीशियस। कस्टर्ड होता है जैसे आप आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, कुल्फी वगैरह बनाते हैं, तो दूध के अंदर हम बॉयल कर देते हैं वो, तो उसने कहा कि वो डिलीशियस नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। अवर यहाँ पर आएगा मेड, जो सी हमारी नौकरानी है दिव्या मेड इट, उसने बनाया है, ये वाला मेड है नौकरानी और ये है जिसने बनाया है। सेकंड है सीमा हैज ग्रोन, मतलब कि वो ग्रो होता है बढ़ना, यहाँ पर आ जाएगा पेल, थोड़ा सा वो चेहरा पीला पीला सा होता है ना उनका, कमजोरी वाला। एंड वीक आफ्टर हर सिकनेस, मतलब बीमार होने के बाद वो जैसे ही बड़ी हो रही है या बढ़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा वीक और पतली सी या पीला उसका चेहरा हो गया, वैसे दिखाई दे रहा है। शी कांट लिफ्ट इवन आ स्मॉल, यहाँ पर हो जाएगा पेल ऑफ वाटर, मतलब कि वो कुछ भी लिफ्ट नहीं कर पाती, कुछ नहीं उठा पाती वो। थर्ड में है योर टास्क इज टू, यहाँ पर आएगा HAUL, इसका मतलब होता है ढोना। अब ढोएगी किसको, बॉक्स को उठा करके ले जाना है टू द कॉर्नर ऑफ द होल, कॉर्नर होता है कोने में, होल के कोने में उसको ढोकर लेके जाना है इस बॉक्स को, वो उसका टास्क रहेगा। फोर्थ में है फोर मी नथिंग कैन बीट टू जॉय ऑफ ईटिंग रोस्टेड, यहाँ पर होएगा बीट, ये वाला बीट होता है चुकंदर जो रेड कलर का होता है, गाजर के जूस में डाला जाता है वो, सैलड विद हनी। फिफ्थ हो जाएगा डैट रोक बैंड, रोक बैंड है ना, वाज बैंड, बैन हो चुका है, जैसे हम किसी चीज पे पाबंदी लगा देते हैं, फ्रॉम परफॉर्मिंग इन सम कंट्रीज। फिर है द डियर, ये होती हमारी हिरन, वाज वेरी डियर, ये वाला डियर होता है प्यारा, ठीक है। और सेवन्थ है द रेस्टोरेंट विल डिलीवर, ये आवर ऑर्डर इन एन हावर, ये होता है एक घंटे के अंदर हमारा जो सा ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा। एट्थ में है द बॉय बिगेन टू, क्या करने लग गया वो, BAWL, मतलब चिल्लाने लग गया, आफ्टर ही वॉज हिट बाय द बॉल, जब उसको बॉल लगी तब वो चिल्लाने लग गया। नाइन्थ है उमा हर्ट हर, उसने हर्ट कर लिया, अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, हील, हील होता है उसकी एडियों पे, वाहिल प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। और इट वाज टेक सम टाइम फॉर द इंजरी टू हील, ये होता है हील करना, उसको भरने में, घाव को भरने में, हील होने में बहुत सारा टाइम लगेगा उसको। लास्ट में हो जाएगा वन ऑफ आवर टीम्स वोन वाहिल द अदर लॉस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, इसके अंदर दिया टिक करना हमने, विमला हैज ए फ्लेयर फॉर मेकिंग एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई करना सूट के ऊपर, जब आप ये रख के फ्रेम सा इसको यहाँ से टाइट करके सुई के साथ कढ़ाई करते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लेयर क्योंकि उसका वो स्वभाव ही वही है। सेकेंड हो जाएगा द टू प्रिंस
डिसाइडेड टू सेटल द मैटर थ्रू आ ड्यूल, ये हो जाएगा युद्ध के द्वारा ही उन्होंने शायद मैटर को सोल्व करने की सोची होगी। और ये वाला होता है जब हमारे फोन में दो सिम होती है ना, ड्यूल ये उसको बोलते हैं। थर्ड है दीज पाइप्स आर मेड ऑफ लेड आ जाएगा, और अश्विन इसका हो जाएगा एक्सपेक्टेड हिज मिस्टेक ग्रेसफुली, कि उसने स्वीकार कर लिया। फिफ्थ है वी हैड हैवी, यहाँ पर हो जाएगा HAIL, इसका मतलब होता है कि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में ओले पड़े थे। सिक्स है द ट्री हैज़ ग्रोन क्वाइट, मतलब कि धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और सेवन्थ में है तुलिका इज मच बोल्डर नाउ देन, ये देखो सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड कंपेरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देन आया है। अगर यहाँ पर दा था तो नहीं, देन है तो ये बोल्डर ही आएगा, कॉन्फिडेंस में है वो। इट वाज क्रिसमस ईव आएगा यहाँ पर, कि वो क्रिसमस की रात है। नाइन्थ में हो जाएगा इट वाज ओनली 5 इन द इवनिंग बट द स्काई हैड ग्रोन क्वाइट डार्क। फिर हो जाएगा द सीलिंग फैन वाज मेकिंग अ लोट ऑफ नॉइस, सीलिंग मतलब होता है छत वाला पंखा है बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। अब आगे हमारे होमोनियम, टू और मोर वर्ड्स डैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसमें तो सिर्फ साउंड साउंड सेम थी, होमोफोन था, और इसके अंदर साउंड भी और स्पेलिंग भी दो चीज़ सेम हो जाएंगी, ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा इसका। अब कैसे, अब ये बैंक दिया है, अब देखो एक तो होता है बैंक ऑफ द रिवर नियर द रिवर हो गया, एक बैंक होता है हमारा ये जहाँ पर हम पेमेंट हमारी सबमिट वगैरह करवाते हैं, ये हो गया बार का भी दिया हुआ है कि ये होते हैं स्प्रिंग भी, ये देखो मौसम का, और ये स्प्रिंग हो गया राइट, और ये फ्लाई, ठीक है दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर इनकी स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, डिफरेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग। यूज एनी थ्री पेयर ऑफ होमोनियम गिवन अबो इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, हमने कितने करने हैं, थ्री पेयर बनाने हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पर ये लास्ट वाला फ्लाई दिया हुआ ना, उड़ना, इसका बनाया क्या है, आई विश टू फ्लाई अमंग द क्लाउड्स वन डे, कि मैं एक दिन उड़ना चाहती हूँ आसमान में, जो से हमारे बादल हैं उनके बीच में, अमंग होता है ज़्यादा, बिटवीन होता है दो के, और अमंग होता है दो से ज़्यादा के बीच में। और फिर क्या बनाया है, द प्लेस इज फुल ऑफ फ्लाइज ड्यूरिंग समर, जब हमारी गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती है, वो बना दिया इसका। फिर बनाया मैंने बैंक का, अब देखो ये तो एक रिवर होगी और ये वाला बैंक, आई एम गोइंग टू बैंक, ठीक है, और ही लिव्स नियर द बैंक ऑफ अ रिवर। लास्ट में बना दिया राइट का, यू आर राइट, कि आप सही हो, और एक हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ टर्न ऑन द राइट साइड, ठीक है, कि राइट साइड मतलब गाड़ी को घुमा लो, वो वाला राइट हो गया, और एक ये होता है कि आप सही हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप इनमें से और कुछ भी बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, थैंक यू।